अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सना अहमद ऑफिशियल। और अभी जो है सहरी का वक्त हो चुका है, अभी जस्ट मैंने तहज्जुद पढ़ी है और आज सहरी जो है 5:02 पर है। और ये यहाँ बैठे हुए हैं, सलाम कर दो। तो बस गाइस, अब मैं जा रही थी किचन में, फटाफट से मैं करती हूँ सहरी की तैयारी। और चलो, और मैंने एक क्लिप बनाई थी जिस टाइम मैंने खचला भिगाया था, तो उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैं रात को ना 12:30 मैं भिगा देती हूँ और अभी बज रहा है 4, तो अब तक बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। मैं उसको अच्छे से कुक करूँगी एंड देन हम लोग उसे इन्जॉय करेंगे। अच्छा, हम सैरी में ज़रूर लेते हैं वो, अभी स्टार्टिंग में तो रहता ही, आखिर में जाते 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 फिर थोड़ा कम हो जाता है, तो सिर्फ मिल्क लेने लग जाती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड। तो बस चलो चलते हैं फटाफट से और सैरी करते हैं। जिस तरह से मैं भिगा देती हूँ खचले को दूध में, और साथ में मैं 1/2 लीटर दूध लेती हूँ और उसके हिसाब से 1/2 लीटर रेगुलर मुझे रोज़, मतलब मुझे उसमें खचला भिगाना होता है। और साथ में मैं शुगर ऐड कर देती हूँ। अभी पूरी रात ऐसे ही मैं इसको थोड़ा मिक्स करके और इसको मैं भिगा दूँगी और सहरी में फिर हम लोग निकालते हैं। तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ ये कि मैं किस तरह से खचला जो है भिगाती हूँ, तो बहुत मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर करना। इस तरह से हो गया है, बस इसको फटाफट से 10 मिनट से कुक करूँगी एंड देन इट विल बी रेडी फॉर सर्व। तो गाइस, पता नहीं कैसे वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मैंने सहरी के लिए बनाया मज़ेदार से मसाला राइस, तो आज हम सहरी में ये इन्जॉय करेंगे और साथ ही खचला जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो आगे की क्लिप आप लोग इन्जॉय करें। इनका पानी नहीं रखोगे अभी? पानी रखो, पी लिया हमने, तो पी लिया, लास्ट साइन है। यस, पियोगे ना? पी, गुड, हमारा तो गेट डन। चलो बाय बाय, कल शाम में मिलते हैं गाइस। क्या कह रहे? अब ये सोएंगी, डायरेक्ट असर में उठेंगी। चलो गाइस, कल मिलते हैं असर में। नमाज नहीं पढ़नी, कुरान नहीं पढ़ना उठ के जोहर में, पगलू। देखेंगे देखेंगे, यस, कल उठेंगे इंशाल्लाह फजर में, नमाज पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो व्हाट इज, तुमने पी लिया आखरी गद्दिन नबी, सामन गद्दिन नबी, तुम शहर रमजान, रमजान की नियत कर लिए दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं कल दोस्तों। हाँ तो दोस्तों है। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग गाइस। तो अभी इफ्तार का वक्त हो चुका है, तो मैं सोचा फटाफट से व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि इफ्तार में आज मैं क्या बना रही हूं। तो इफ्तार में आज मैं बना रही हूं ये वड़ा है, मतलब इसको वड़ा पाव भी हम एज अ वड़ा पाव भी हम लोग खाते हैं, और इसको हम नॉर्मल वड़ा बनाकर लाइक बेसन में डिप करके और फ्राई करके इसको फिर हम वैसे भी खा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसका पूरा मिक्सचर रेडी करके इसकी बॉल्स वगैरह बना लिए, आप देख सकते हो। और साथ ही मैंने इसका यहाँ बैटर बना लिया है जिसमें मैं डिप कर इसको जो है फ्राई करूँगी। तो आज की रेसिपी जो है वो कुछ डिफरेंट है, हालांकि मैं पहले भी ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ, बट चलो कोई नहीं। आज मैं बना रही हूँ मिक्स, जैसे मैंने आपको बताया आलू प्याज मिक्स तो मेरी बनती ही है, साथ ही मैं बना रही हूँ वड़ा पाव, ठीक है, और मैं बना रही हूँ ब्रेड स्लाइसेस एंड वही फ्रूट्स और ड्रिंक्स एंड ऑल हो जाएगा, और फ्रैंक्स वगैरह, मतलब कचरी एंड ऑल पापड़। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की इफ्तारी बनाना, लेट्स गो। सो गाइज़, ये ना कल मम्मा ने भेजे थे, ये चिकन टेंडर्स और चिकन कबाब्स काइंड ऑफ है, मतलब चिकन एंड आलू का ये फिल मतलब रोल है फ्राइड। तो ये कल तो हमने खाए नहीं थे, तो आज मैं इफ्तार में इसको ही थोड़ा सा लाइक गर्म कर लूँगी, माइक्रोवेव कर लूँगी। साथ ही मैंने आपको दिखाया है वड़े, और इधर इसका मिक्सचर बन चुका है। ये मुझे चटनी बनानी है हरे धनिए की, खट्टी वाली मज़ेदार, जो मैं बनाती हूँ रमज़ान में हमेशा, और रेड वाली भी शेयर करूँगी। इधर मैंने दूध जो है वो थोड़ा शेक कर लिया, साथ ही मैंने यहाँ पर मीठा पानी बना लिया है। तो ये सारी प्रिपरेशन डन है, और इधर मैंने जो ऑयल गरम करने रख दिया, और अभी मुझे आलू एंड प्याज दोनों कट करने हैं, तो चलो फटाफट करते हैं। यहाँ पे ना मैंने इस तरह से थोड़ी सी फिलिंग मैंने एक्स्ट्रा कर ली थी, और यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइस पे लगा दी, और अब मैं इसको ना डिप कर ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, तो स्टफ ब्रेड पकौड़ा हो जाएगा जो कि बहुत डिलीशियस बनता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज हमारी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हो गई, आलू प्याज मिक्स हो गई, स्टफ ब्रेड पकौड़े हो गए, साथ में वड़ा पाव हो गए, और बाकी फ्राइंग्स रू अफ्ज़ा एंड ऑल सारी चीज़ें, फ्रूट चाट एंड ऑल सभी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बस सब प्रिपरेशन डन है, अब मैं फ्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, बस मैंने इसको भी स्टफ़ कर लिया, आप देख सकते हो बहुत मज़े का बना हुआ है ये भी। और बस अब सबको फ्राई करेंगे एंड देन आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से मैं इनको ना इसमें बेसन में डिप कर और देन इसको ऑयल में छोड़ दूँगी, ठीक है जी।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं इसको ऑयल में छोड़ रही हूँ और इसी तरह से ना पूरा फ्राई होगा। बिस्मिल्लाह। सारी डाल दी है, मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ फटफट से और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है। ऑलरेडी सब चीज़ कुक है, बस हमें थोड़ा सा इसे फ्राई करना होता है। ठीक है, सब चीज़ ऑलरेडी कुक है इसमें। सो बस ये माशाल्लाह से अपने फ्राई हो रहे हैं मज़ेदार से बड़े। चीज़ बॉल काइंड ऑफ लग रही है गाइस। चलो ऐसे रिमेनिंग हम निकाल देंगे और अभी हस्बैंड नहीं है तो शूट मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी सो यहाँ पे जी ये हो गए हैं जी रेडी स्टेडी। रिमेनिंग भी निकाल लेते हैं। सो माशाल्लाह से ये सब मैंने निकाल लिए हैं और अब बस फ्राई करेंगे हम स्टफ्ड ब्रेड पकौड़े जी। स्टफ ब्रेड पॉकेट्स जो कि मैं फ्राई कर रही हूँ मज़ेदार सी। सो यहाँ जी हो गए हैं स्टफ ब्रेड पॉकेट्स रेडी और इसको भी हम डाल देंगे इसी बॉक्स में और मैं सर्व ना बाद में करती हूँ सबको अलग अलग, जिससे कि पहले सबको इकट्ठा बॉक्स में डाल दूँ, गर्म रहती है चीज़ें से इसीलिए। सो ये तो मैं कैसे भूल सकती हूँ गाइज, ये तो मस्ट है हमेशा, फुल 30 डेज़ आपको ये दिखने वाली है। मिक्स लाइक सारी सब्जियाँ बेसन में मिक्स करके एंड उसकी छोटी छोटी पकौड़ी बनाना, मतलब आलू प्याज मिक्स एंड इसमें टमाटोज ग्रीन चिली सब डाला हुआ है। डाल दिए मैंने गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े यहाँ पर मज़ेदार से। चलो जी इसे भी निकाल लेते हैं फटाफट से और डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये भी रख दिए हैं, गर्म हो जाएंगे इसी के साथ और मैं ये भी डाल दूँगी। तो ये बस हो गया रेडी, अब बस फटाफट से मैं फ्राइंग्स कर लूँगी एंड देन हमारा आज का इफ्तार माशाल्लाह रेडी हो जाएगा। इफ्तारी हो गई थी डन और अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर थोड़ा सा लेट गई थी, एडिटिंग कर रही थी ब्लॉग की और इंस्टाग्राम की वीडियोज़ एंड रील्स की। तो अगर इंस्टाग्राम पर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, मैं यहाँ पर हैंडल दे देती हूँ _ तबू इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ले सब्सक्राइब मेरा चैनल, लाइक कर दे शेयर कर दे सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि बिल्कुल एनर्जी नहीं, और अभी मम्मी की तरफ भी जाना है क्योंकि मम्मी ने आज इफ्तार के लिए बुलाया था बट मैं नहीं जा पाई। एज़ यूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, नहीं जा सकती, घर की जिम्मेदारी रहती है मेरे ऊपर। तो इफ्तार किए हुए तो मुझे मम्मी के यहाँ प्रॉपर तरीके से तो शायद 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तो मैं शायद ही एक बार गई होंगी या दो बार, मैं नहीं जाती हूँ। बट हाँ इंशाल्लाह इस साल से कोशिश पूरी है कि मम्मी के यहाँ भी इफ्तार हो और मैं जाऊँ और मेरे हस्बैंड दोनों इंशाल्लाह। तो बस अभी मैंने मम्मी को ये बोल दिया था कि मैं इफ्तार तो नहीं कर पाऊँगी पर हाँ डिनर के लिए हम लोग आ जाएंगे, तो बस समझ जाएंगे तरावी के लिए तो मुझे ड्रॉप कर देंगे। तो यार गाइस मैं यहाँ पर करती हूँ अपना ब्लॉग एंड, पीछे से बहुत शोर आ रहा है क्योंकि बच्चे रमज़ान है ना, यू नो गली में खूब शोर कर रहे हैं बच्चे। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया, इफ्तारी एंड रूटीन ब्लॉग सहरी एंड इफ्तारी का। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।